नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। वैज्ञानिक ने बनाया सौर हमाम, स्क्रैप अंकल का अनोखा स्टार्टअप, रूबरू मिस्टर इंडिया 2022, जंगल से गुजरेगी नई ट्रेन, एक ट्री हाउस की परिकल्पना। पहाड़ों के लिए वरदान बना एक वैज्ञानिक का आविष्कार, सुनते हैं ये खबर विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों में रहना पहले आसान नहीं था। भीषण ठंड के चलते लोगों को जिंदगी दुश्वार रहती थी, लेकिन एक वैज्ञानिक की कोशिश से उनकी दिनचर्या आसान हो गई है। ये चमत्कार किया है डॉक्टर लाल सिंह और उनके एनजीओ हिमालयन रिसर्च ग्रुप ने, जिनकी एक इजाद ने सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वालों की जिंदगी आसान बना दी है। डॉक्टर लाल सिंह और उनके एनजीओ ने एक सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम बनाया है, जो चंद मिनट में 15 से 18 लीटर पानी गर्म कर देता है। इस सिस्टम को सोलर हमाम नाम दिया गया है। उनकी टीम ने हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में इसकी सैकड़ों इकाइयां लगा दी हैं। इसमें पहले बैच में पानी गर्म होने में 30 से 35 मिनट लग जाते हैं, वहीं दूसरी बार में सिर्फ 15 या 20 मिनट में पानी गर्म हो जाता है। इससे एक दिन में 100 लीटर पानी आसानी से गर्म किया जा सकता है, जो एक परिवार के लिए काफी है। सोलर हमाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुड़गांव से मान्यता प्राप्त है और इससे हजारों टन लकड़ी की बचत हो चुकी है। एक आदमी का कचरा दूसरे आदमी का सोना है, इसी तत्व पर काम कर रहे हैं स्क्रैप अंकल। दिल्ली के एक 25 वर्षीय व्यक्ति ने एक ऐसा मंच तैयार किया है जो लोगों को कबाड़ से छुटकारा पाने में मदद करता है। 2019 में मुकुल छाबड़ा द्वारा स्थापित स्क्रैप अंकल दिल्ली स्थित एक स्टार्टअप है, जो एक ऑनलाइन वेबसाइट और एप्लीकेशन के माध्यम से कबाड़ पुनर्नवीकरण सेवाएं प्रदान करता है। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले मुकुल एक ऐसे घर में पले बड़े जहां माता पिता ने उनको आईटी दिल्ली भेज दिया था, लेकिन व्यवसाय शुरू करने का विचार हमेशा उनके दिमाग में था। स्क्रैप अंकल के संग्रह एजेंट सभी आवश्यक उपकरण जैसे तराजू, मास्क और दास्तानों से लैस हैं। यह सुरक्षा समस्या को दूर करता है। निर्धारित और निश्चित मूल्य है जो खरीद से पहले ही तय किए जाते हैं, इसलिए इसमें कोई सौदेबाजी नहीं होती। स्क्रैप अंकल ने अब तक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 22,000 लोगों से 2,000 टन स्क्रैप एकत्र किया है। नेपाल में बंजी जंपिंग करने वाले पहले एशियाई ट्रिपल एम्पिटी लोकेश ने अपने फिटनेस पर ध्यान केंद्रित किया है। दृढ़ निश्चय के रास्ते पर चलते हुए लिंकेश कौशिक मुश्किलों से कभी हार नहीं मानते। ट्रिपल एम्पिटी फिटनेस ट्रेनर लिंकेश कौशिक एक सच्चे योद्धा हैं, जो अपने साहसी स्वभाव से सभी बाधाओं को पार कर जाते हैं। फिटनेस ट्रेनर होने के साथ साथ लिंकेश ने नेपाल के केनिया स्विंग में बंजी जंपिंग करने वाले पहले एशियाई ट्रिपल एम्पिटी के रूप में पहचाने जाते हैं। वह एक ब्लेड रनर, पैरासाइक्लिस्ट और टेडेक्स स्पीकर भी हैं। लिंकेश ने रूबरू मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब भी जीता है। हरियाणा के झज्जर जिले के तालुका के रहने वाले लिंकेश फिटनेस ट्रेनर, मॉडल और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उन्हें 9 साल की उम्र में बिजली का झटका लगा था। इस घटना में उनका पैर और एक हाथ बुरी तरह से जल गया था, जिसके कारण पैर और हाथ दोनों काटने पड़े। अपने परिवार और दोस्तों के समर्थन से उन्हें अपनी स्नातक तक की पढ़ाई पूरी कर ली। लिंकेश हर दिन कुछ नया करने के लिए बेताब रहते हैं। वर्तमान में वह एवरेस्ट पर बेस कैंप करने की योजना बना रहे हैं, जिसे इससे पहले किसी ट्रिपल एम्प्यूटी ने प्रयास भी नहीं किया था। इसके अलावा वह गोवा से कन्याकुमारी तक एक साइकिल ड्राइव की योजना बना रहे हैं। ये नई रेलवे मैक्सिकन जंगलों के बीच बनाई जा रही है, लेते हैं ज्यादा जानकारी। मैक्सिको ट्रेन माया नामक प्रायद्वीप में एक विशाल नई रेलवे का निर्माण कर रहा है। प्रमुख खंडहर स्थलों, समुद्र तटों और होटलों को जोड़ने वाले जंगल के माध्यम से 1500 किलोमीटर से अधिक का रेल ट्रैक गुजरेगा। इस रेल नेटवर्क को स्पेनिश में मेयन ट्रेन या ट्रेन माया कहा जाता है। यह ट्रेन
कैनकन हवाई अड्डे से शुरू होगी और युकटन प्रायद्वीप के चारों ओर चक्कर लगाएगी। साथ ही विचेन इट्जा, टुलम और रिवेरा माय जैसे पर्यटन स्थलों पर रुकेगी। यह ट्रेन पर्यटकों को कम समय में सभी लोकप्रिय स्थलों की यात्रा करने की अनुमति देती है और यकीनन बसों की तुलना में अधिक आरामदायी और गतिमान होगी। पुराने जामुन के पेड़ पर बनाया सपनों का घर, सुनते हैं पूरी कहानी। केरल की युगल पॉल्सन और एल्जा ने मिलकर 2012 में जंगल जीव ट्री हाउस की अवधारणा सोची। दुबई में काफी साल बिताने के बाद दोनों भारत लौटना चाहते थे। उनका एकमात्र मानदंड था प्रकृति के करीब जाना। वो उनके बच्चों को हरित स्थानों तक पहुंच देना चाहते थे और अपने गांव मुन्नार में जाने के बारे में अक्सर चर्चा करते थे और इसीलिए पॉल्सन ने यह ट्री हाउस बनाया। ट्री हाउस के निर्माण करते समय लकड़ी और धातु जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया गया। सीढ़ियों को बांस और धातु से बनाया गया है। पहली मंजिल के कमरों से बगीचे को देखा जा सकता है। दूसरी मंजिल से पहाड़ों का अबाधित दृश्य दिखाई देता है। मेहमानों को घर का बना पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने से लेकर उनके ठहरने के दौरान उनके लिए डे ट्रिप और कैंप आयोजित करते तक एल्जा और पॉल्सन लगातार सुधार के खोज में हैं। हिमाचल के किस शहर को भारत का मशरूम शहर कहा जाता है? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। सोलन को भारत के मशरूम शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह देश में मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसमें मशरूम अनुसंधान निदेशालय भी है। इस शहर का नाम हिंदू देवी शूलिनी देवी से मिलता है जो इस क्षेत्र में सबसे अधिक पूजनीय है। यह खूबसूरत पहाड़ी शहर पड़ोसी पहाड़ी शहरों जैसे शिमला, कसौली, कालका और चैल का प्रवेश द्वार है। इस शहर को लाल सोने का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यह इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में टमाटर पैदा करता है। आशा करता हूँ यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।